गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 1 बजे, तो सॉरी गुड आफ्टरनून हो रही है, बहुत लेट हो गया था आज। और आप देख सकते हैं कपड़े फैले पड़े हैं हमारे घर में, बिल्कुल भी ऐसा समझ लो जगह है ही नहीं। यहाँ कपड़े, गेट पे कपड़े, सब जगह। और ये बिल्ली आ चुकी है, आ जा, ये देखो ये वापस आ गई, वापस आ गई। तो मैंने बोला था यहाँ लेके बताना, लेकिन ये वापस आ गई है। और विरान गया ब्रांस के स्कूल में आज थी। ए डांस डांस किया ना तूने? क्या हुआ, नहाने नहीं जा रही है? जाना, नहा लेना। ये कह रही है मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे ठंड लग रही है, इसलिए बोल रही है मैं नहाने नहीं जाऊंगी। मुझे ठंड इसलिए लग रही है, इसलिए लग रही है। अच्छा तो ये न्यू टॉपर है ना, अभी क्यों पहनना? दिखाना। तो गई इसके लिए ना न्यू टॉपर आया था ये, तो इसने बोला मैं पहन लूँ। तो अभी कोई मतलब नहीं है, कोई फेस्टिवल भी नहीं है पहनने से। क्या मतलब है अभी पहनने से? अच्छा। और गाइस मेरे ना ये कुछ कपड़े पड़े हैं, तो ये मुझे सिलने हैं। मैं सोच रही हूँ आज ये वाला सूट पूरा सिल लूँ। पकड़ना इसको, दिखाना जरा। तो ये देखो गाइस, ये वाला है जो मैंने अभी सिला है। इसमें क्या है, नीचे बॉर्डर लगाया है मैंने अलग से, और ऊपर ये चीज़ भी मैंने खुद ने ऐड करी है। ये सिंपल कुर्ता था, तो मेरे पास ये कपड़ा पड़ा था, तो मैंने उसकी कटिंग करके, और ये मैंने जो चीज़ है ना, ये मैंने खुद से लगाई है। ये देखो आप, बड़ा नॉर्मली जो ये चीज़ लगी होती है ना, तो उसमें ना ये पीछे का दिखता नहीं है, ये पूरा अलग ही दिखता है, तो ये मैंने ऐड करा है। काम करो, तुम दिखा लो। मैं दिखाऊँ? ठीक है, ये देखो, इसके नीचे मैंने शलवार बनाई है। शलवार? हाँ, आधी बनी शलवार। हाँ शलवार, ये है इसकी शलवार, ये देखो। तो इसमें मैंने प्लेट्स वगैरह सारी डाल ली हैं, इसमें बस नीचे बॉर्डर लगाना रह गया है, ये इस टाइप से है। और इसमें ऊपर मैंने प्लेट्स नहीं भरी हैं, ये ऐसा मैचिंग करा है मैंने इस टाइप से। और ये दूसरे के साथ भी चल रहा है मैचिंग, मैं दिखाती हूँ किसके साथ चल रहा है। तो गाइस एक ये वाला सूट है ना, देखो इस पर पिंक काम है, तो ये वाली जो शलवार है ना, ये इस पर चल रही है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो ये मैंने सिलवा ली थी, थोड़ी मेरी लूज थी, तो इसकी फिर मैंने फिटिंग करी है खुद से। और ये नीचे इसमें बॉर्डर है इस टाइप का ऐसा, और ये बहुत अच्छा मैच हो रहा है इसके साथ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वो ये जो, ये तो मेरा पूरा हो गया है, ठीक है, ये वाला पूरा हो गया है। और मैं सोच रही हूँ इस, ये भी पूरा ही है, इसके बस है ना ये चेक्स बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं ये बना लूँ और इसको फिर पहन लूँ, नहीं तो ये ऐसा ही रखा रहेगा। और ये वाला तो मैंने पहन के देख भी लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। आई मैंने शायद पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया जब मैंने ये पहना था, हाँ मैं शाम को पहना था, और फिर है ना लाइट चली गई थी, और फिर अंधेरे में कैसे दिखाती, फिर मैंने इसको चेंज कर लिया, तो इसलिए शायद मैं इसको दिखा नहीं पाई। ये हैं, और अभी ना इसमें भी पड़े हैं सिलने के लिए, एक ये वाला भी पड़ा है सिलने के लिए, और अभी एक ये वाला भी पड़ा है सिलने के लिए, और बाकी के जो दो कुर्ते हैं ना, दो वो नीचे पड़े हैं। तो आप देखो ना मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मैंने हेड वॉश नहीं किया है, कल करने वाली थी, लेकिन फिर कल रात को, शाम को नहाई हूँ मैं, पूरा दिन मेरी तबीयत ऐसी थी, तो फिर मैं शाम को नहाई हूँ, करीब 7-8 बजे नहाई हूँ, फीवर फीवर सा लग रहा था, तो मैं गर्म पानी से शाम को नहाई ली। मैंने कहा मैं बगैर नहाए तो नहीं रहूँगी, इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मैं नहा ली। और अभी मैं खाने जा रही हूँ। खाना चलिए देखते हैं खाने में क्या बनाया, क्योंकि मैंने नहीं बनाया है खाना, मैं बनाती हूँ शाम का, दिन का शीतल बनाती है, तो चलिए देखते क्या बनाया। तो मैं नीचे जा रही हूँ खाने, तो पहले देखूंगी कि क्या बना है, चलो देखते हैं क्या बना। तो इस खाने में बनी है भिंडी, मेरी फेवरेट, मतलब फेवरेट नहीं है, ठीक ठाक लगती है मुझे। तो गाइस मैंने ना थोड़ी सी मूंग की दाल बनाई थी अपने लिए रात को, वो भी अभी की नहीं है ये, तो इसको मैं गर्म कर रही हूँ, गर्म हो जाएगी तो मैं इससे और दोनों भिंडी से रोटी खाऊंगी, और इससे भी खाऊंगी, और इसमें मैं गर्म करके ना अभी थोड़ा सा घी डालूंगी। तो ये रहा हमारा घी, और ये बिल्कुल डेयरी से आता है घी, तो मैं इतना इसमें घी डालूंगी, और ये पिघल जाएगा जब, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो
थोड़ा और डालते, मजे आएंगे। जब दाल है ना पूरी तरीके से गर्म हो गई और जो घी था ना वो भी पिघल गया। अब इसमें मैं ना मेरी रोटी मीट के खाऊंगी, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे खाऊंगी आपको। पहले मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, ये बहुत गर्म है। तो गाइस ये है मेरा और मनस्वी का खाना। तो यहाँ पे मैंने ये रोटियाँ ऐसे तोड़ के रख ली है और मैं इसमें डाल दूँगी। ये एक रोटी मैंने तोड़ ली है जो इसमें मीच दूँगी, और एक रोटी है ना मैं इस वाली सब्जी से खाऊँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना चाय चाय कर दी, मुझे चाय बना रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे चाय लेके जा रही हूँ मैं ऊपर, और खाना ले गई है मनस्वी। यहीं पर खड़ी है मनस्वी। चाय चाहिए होती इनको, क्योंकि इनको ना वहाँ का आदत पड़ गया है कि मेरे को चाय पीनी है। तो फिर मुझे तो गाइस ये जो बेडशीट है हमने मीशो से मंगाई थी, ये आई थी आई थिंक 300 के अंदर अंदर आई थी, 300 के अंदर अंदर आई थी। तो ये प्योर कॉटन है और काफ़ी अच्छी बेडशीट है, और इसके साथ है ना दो पिलो कवर मिले हैं, और मेरी रिंग लाइट देखो यहाँ रखी है ऐसे। पूरे दिन बिल्लियों के साथ खेलते हैं, एक अंदर से निकली एक और कहाँ, तीन है ना अपने यहाँ नीचे है वो शायद। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, खुद को देख रही कैसे, मैं वापस कैसे देख रही हूँ। अरे हाँ यार इसको ना गाइस हमने ना चूहे चला के दिखा दिया फोन में, तो फोन में ना पंजे मार रही थी इतनी तेज तेज। ले अरे देखो यहाँ चढ़ गई इसको वापस। परेशान करते रहते बहुत, पूरा टाइम परेशान करते है बिल्ली के बच्चे ऐसे। अब देख उसने उस मुंह डाल दिया इसको, हटा दोने में रखना इसको, इसमें कोई पानी मत पीना। दो गाइस ये देखो ये ना स्कर्ट सिली है लाडो के लिए, हमको दिखा देती हूँ एक सेकेंड। ये देखो गाइस ये बॉक्स वाली प्लेट्स वाली स्कर्ट सिली है, और ये कपड़ा ना स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल एकदम स्ट्रेचेबल, और इसमें से ना थोड़ा सा कपड़ा बचा है ये। तो मैं सोच रही हूँ इसकी ना ड्रेस बना लूँ कान्हा जी की, वाइट कलर की, एक भी उन पर ड्रेस नहीं है वाइट, थोड़ा सा उसमें कुछ कंट्रास्ट वगैरह डाल के तो अच्छी लगेगी। क्या चीज़ है ये? हाँ हाँ सोच रही है इतना बड़ा सा क्या? देखो गाइस पैर उठा रही है धीरे 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 पैर उठा रही है। माओ ले लिया इसको बाहर तो निकाल ले ले। देखो मैंने ये वाली कान्हा जी की ड्रेस सिल रखी है। ये कौन सी ड्रेस है और इसमें मैंने कुछ चोली ऐड करनी है, और इस चोली को मुझे लेस भी लगानी है। तो ये रह गई थी, फिर बीच में ना मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, नीचे शोर मच रहा है बिल्कुल भी। तो क्या हो गया देखो भाई, इस टाइप से पूरा घेरा बना रखा है, इसमें मुझे ये चोली ऐड करनी है, और ये वाली लेस चोली पे लगानी है मुझे, और यहाँ पे बांधने वाला लगाना है इस जगह पे, फिर मेरे पूरे ड्रेस बन जाएगी कान्हा जी की। एक मतलब मैंने चारों की सेम ही बनाई है, ये जो अभी फर्स्ट वाले कान्हा जी सबसे बड़े हैं ये वाली उनकी ड्रेस है, और बाकी जो मैंने येलो वाली सिली थी वो मैंने आपको दिखाई दी थी। ये देखो कट सारे सब जो देखो गाइस मैंने सबका ना ये काट के रख रखा है, जैसे ये इतना लंबा मैं लेती हूँ पर बना एक का हेयर है ना ऐसे आता बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो ये है हमारे छोटे वाले ठाकुर जी या राधा रानी, मतलब जो भी दोनों सेम ही बनेंगे, और भी होगा ना इसमें कपड़ा। क्या खा रही हो? मैं टॉफी टॉफी हाँ ये रहा गाइस देखो, और ये रहा, और सबसे छोटे वाले काना का भी रखा है, और अभी ना देखो इतना सारा ये कपड़ा रखा है, ये रहा सही बनाना। चलो ये सब तो बनता रहेगा, पहले मैं मेरा कुर्ता सही करती हूँ। क्या हो रहा है मैंने बताया था ना अभी, हाँ ये जो ये कुर्ते के साइड के होते हैं ना ये वाले पलट रही हूँ, ये एक तो हो गया एक साइड का होने वाला है, दूसरी साइड का करके फिर इसको पहनूंगी तो सही ना, ऐसे थोड़ी ना रखा रहेगा यार। वीडियोस बनाते हैं तो वीडियोस में थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, जिम जाने के लिए बाध्य करना शाम को ना पता नहीं, मेरे को जिम जाने के लिए बाध्य करना ये जिम जाने के लिए क्या करना बाध्य तो मुझे भी तो आना चाहिए ना, इसका मीनिंग क्या होता है मजबूर
ओ तेरी जिम जाने के लिए इनको मजबूर करना है, इनको मजबूर करो, कह रहे धक्के देके भगा देना मेरे को। अच्छा फिर गेट लगा लेंगे, अंदर से आना ही मत। अब जब अंदर से कोई नहीं जाना चाहता तो देखो भाई हम तो कुछ तो नींद को अपनी त्यागो और जिम जाओ, जिम जाओ बेटा, तौबा 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 तौबा, जिम जाओ बेटा, तौबा 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 तौबा। तो गाइस मनस्वी ने ना ये वेस्ट ऑफ वेस्ट से ये बनाया है, बेस्ट ऑफ वेस्ट कंपटीशन है, वेस्ट ऑफ वेस्ट कंपटीशन है इसका ये। हाँ तो ये इसने ये पेपर से बनाया है, दिखाना जरा। ठीक है अभी ढंग से नहीं चिपका है, बात ही है। हाँ चिपका ले दिखा, तो इसको ना संभाल के रख दे अच्छे से। अभी देखना बस ये मुड़ रहा है बार बार, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो ठीक हो जाएगा, वहां पे ना स्टेपलर करना पड़ेगा इसको ऐसे सीधा रख के। हाँ इसको यहाँ स्टेपलर कर दे। अरे ये तो इसको छोड़, खोलने वाला छोड़ दे ना, इसको यहाँ ऐसे चिपका दे, सबसे बेस्ट रहेगा है ना। हाँ ये ऐसे ठीक रहेगा ये। फिर अभी इसमें लाइन भी बनानी है। दिखाना चाचा क्या लेके आए, जब पहना था तब तो दिखाया नहीं, जब मैंने वाली, जब मैं सिलाई कर रही थी तो ये वाला टॉपर लेके आया मनस्वी के लिए। और वीरांश के दिखाना, भैया दिल्ली गए थे चांदनी चौक से लेके आए हैं कपड़े बच्चों के, ये और ये इसका साथ का है, वो भी तो है, वो नहीं है ना, पापा का है, पापा का है क्या। तो गाइस मैंने मेरा कुर्ता पूरा सिल लिया, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। देखो गाइस मैंने बना लिया पूरा, और ये यहाँ पे मैंने पूरा सिलाई भी कर ली है ये, लेकिन सिलाई हटानी है इस पे क्योंकि तुरपन वाली करनी है, तो ये इस पे मुझे तुरपन करनी पड़ेगी। तो बाकी तो पूरा सिल गया है ये देखो। और वो जो मैं एक सूट और दिखाती ना आपको, वो मैंने आपको पहन के नहीं दिखाना, तो अब मैं ऐसे आपको रख के सामने से दिखा देती हूँ। तो ये अभी सूखा हुआ पड़ा है क्योंकि ये इसमें पड़ा था, इसलिए ये वाला भी पूरा सिल चुका है, देखो है ना, मस्त लग रहा है ना। पीछे आओ थोड़ा, मैं इसको 3x कर दूं, क्यों ऐसे ही मजा आएंगे। ठीक है गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जितना हो सका वो मैंने सारा शुरू से लेके आखिर तक मैंने जो चीजें भी थी मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। भैया जो भी कपड़े लेके आए, और मैंने जो मेरी हाफ कुर्ती सिली पड़ी थी वो भी पूरी सिली, कानाची की पोशाक भी आपके साथ शेयर किया। जब फुल पोशाक बन जाएगी तो वो उसका वीडियो आपको मिलेगा जरूर। और मैंने मेरी कुर्ती पूरी अच्छी तरीके से सिल ली है, और हमारा एक वीडियो आने वाला है तो वो आप देखना ना भूलिएगा, और देखिएगा उस वीडियो के लिए हमने क्या क्या किया है, कितनी डांट खाई है मैंने क्योंकि मुझसे एक्टिंग अच्छे से नहीं हुई इसलिए। तो ठीक है गाइस, ओके बाय बाय। तो डू कॉमेंट लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।